हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय उमा फैशन क्रिएशन। तो हम बनाएंगे लहंगा। इस तरीके का लहंगा बनाने के लिए हमने मार्केट से बहुत ढेर सारा लहंगे का कपड़ा लाया। वेलवेट का हमने लहंगा बनाया है, तो उसके लिए हमने बहुत ढेर सारी लेस ली। लहंगे का दो कपड़ा लिया है, एक बॉटल ग्रीन कलर ये है और एक ये पिकॉक कलर है। इसे पिकॉक कलर बोलते हैं, तो मैंने पहले बॉटल ग्रीन कलर बनाया है। परफेक्ट तरीके से हमने लहंगा बनाया है। इस वीडियो को हम सब कुछ बताएंगे कि इस वीडियो में हमारा कितना कपड़ा, कितनी लेस, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा हमारा 1 मीटर है, और ये हमारी लेस है, लेस हमारी कितनी है वो भी बताएंगे हम आपको। ये हम 2 मीटर लहंगे के कपड़े में से, हमने 5.5 मीटर के कपड़े में से हम 2.5 मीटर कपड़े को निकाल रहे हैं, वो हमारा दुपट्टे का कपड़ा है। और ये जितना बचा है हमारे लहंगे का कपड़ा, इस तरीके से हमने फोल्ड करके 42 इंच पर सारा इस तरीके से हम निशान बना लिया था। उसमें हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो उसको हम औरज में उसी तरीके से हम कट कर लिए। से बेल्ट के लिए हम 32 कमर काट रहे हैं, कमर को हमने 32 काट के नीचे हमने लेस लग के दिखाई है। लेस हमारी चौड़ी वाली 5 मीटर थी और ये पतली वाली 10 मीटर थी, सिर्फ लहंगे के लिए हम बता रहे हैं। तो उसी तरीके से हमने चौड़े वाले लेस को इस तरीके से नीचे अटैच कर दिया, बट ऊपर हमारा क्या है कि ये लेस आरोप में नहीं है और चौड़ा है, तो उसी तरीके से जितना लेस उभरा होगा उसको हम इस तरीके से प्लेट डालकर लगाएंगे, ताकि हमारे लेस में या लहंगे के कपड़े में बल ना पड़े। तो ज़रूर इस तरीके से करें अगर आपकी लेस चौड़ी है। तो इसी तरीके से पूरा हम सिल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा रेडी हो गया है और बिना प्लेट पड़े देखिए कितना अच्छा दिख रहा है आपको। और हमारे लहंगे में फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये हमारा अस्तर का कपड़ा 2 मीटर में हमने इस तरीके से काटा है। उसके ऊपर सिलने के बाद हमने इस तरीके से 2.5 मीटर के कैन वाले नेट को लेकर इस तरीके से बीच से कट करके 2 इंच छोड़कर हमने प्लेट डाल के पूरा इस तरीके से हमने जितना हमारा अस्तर है, अस्तर के में हमें अटैच करना है, तो उतना ही चौड़ा हमने प्लेट डालकर किया है। नेट हमारी करीब 5 मीटर हो गई थी, हमने उसको फोल्ड करके कट कर लिया था। तो देखिए हम इस पर अटैच करेंगे। अब अटैच करके आपको बताते हैं। पहले हमने जितनी दूर पर हमने निशान लगाई थी ऊपर का छोड़कर, हमने निशान लगाकर इस तरीके से उसी में अटैच कर दिया था। किन के ऊपर हम अस्तर के कपड़े को भी बीच से कट करके हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, प्लेट डालते हुए सारा लगाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से लगाइए, आराम आराम से लगाइए। थोड़ा कपड़ा मोटा हो जाता है नेट की वजह से, तो सिलाई करने में दिक्कत हो जाती है। अब दोनों को हम अटैच कर लेंगे, लहंगा जो हमने सिला था वेलवेट का उसे भी, और अस्तर वाला जो हमारी केन वाली नेट थी उसको भी। देखिए इसी तरीके से हम सारा हमारा 3 लेयर हो गया है अंदर। और ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट हमारे बेल्ट की कमर हमारे 43 है, और हमारा अस्तर और ये जो लहंगा है दोनों को हम कमर के साइड से अटैच कर लेंगे। देखिए हमारा अटैच हो गया है ताकि इधर उधर ना गिरे। अब बेल्ट हम लगाएंगे जिसे हम कट किया था, उसको हम ऊपर के साइड में रख के हम ये जो जोड़ है हम ऊपर के साइड में करेंगे। इसलिए हम ऊपर से करेंगे ताकि हमारे नीचे से जोड़ ना दिखे, और उसको हम लेस से जोड़ को छिपा देंगे, इसीलिए हम ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से करें और आगे के साइड को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लें। इसी में हम डोरी डालेंगे। अब हम जो जोड़ था उसी पर हम इस तरीके से लेस को रख कर हम दोनों लेस को रख कर हम अटैच कर लिए हैं। कमर का साइड है ये हमारा, इसी तरीके से आप भी कर लें। वीडियो को अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप सबको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसी तरीके से हमने लैस को अटैच कर लिया है। अपने पेट को खोल कर अब हम ऊपर साइड में पतली वाली लैस को अटैच करके सिलाई कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का हमारा रेडी हो गया है। जो हमारा कपड़ा ये खुला हुआ छोटा हुआ है, तो इसमें हम जिप अटैच करेंगे और हमारा लहंगा रेडी हो जाएगा।
रेडी किस अब लेस जिप हम किस तरीके से लगाएंगे? सॉरी हमें जिप बोलना था, हम बार बार लेस बोल रहे हैं, तो जिप को हम बस इस तरीके से रख कर एक पहले कच्ची बग्घी को लगा लेंगे। देखिए हमने जो लेस का ये फोल्ड क्या हुआ, कपड़ा छूटा हुआ है, उभर रहा है लेस का, तो उसको हम सुई धागे की हेल्प से सिलाई कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए इस तरीके से हम लेस को बस इजीली, अभी जिप को हम इस तरीके से इजीली पहले लगा लेंगे। दूर से ही सिलाई हमने की है अभी, पर हम इसको फिक्स करेंगे कि हमें जिप को फिक्स कहाँ पर करना है, ऊपर नीचे ना है, सब कुछ देखते हुए पहले हम फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद हम बता रहे हैं वीडियो को स्किप मत करिए, आपका लहंगा ख़राब भी हो सकता है। देखिए हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ था, निकला हुआ था, तो उसको हमने कट कर दिया था, और ये हमारा लहंगा बहुत हैवी हो गया, तो उसके लिए हमारी सिलाई नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए हमने अभी दिक्कत हो रही थी तो नीचे से हमने सिल लिया था। अब लेस ये जो जिप के अब हमने एकदम आराम आराम से किनारे से हमने एक और सिलाई कर ली, तो जिप हमारी कुछ इस तरीके से लग गई है, और नीचे का जो खुला हुआ कपड़ा छूटा हुआ है, तो उसको हम जिप के आते हैं एक इंच ऊपर हम सिलाई इस तरीके से कर लेंगे। देखिए हमारा लहंगा रेडी हो गया है, तो हमने इसके सुई धागे की हेल्प से इसको सिल कर उसमें डोरी डाल दी है। देखिए एकदम ईजी और आसान तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा लहंगा रेडी हो गया है, बिना जोड़ बिना कुछ। आपको इतना अच्छा, देखिए कितना अच्छे से हमने रेडी किया है, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा लहंगा कैसा लगा। ये है लहंगा, ये है ब्लाउज़ की वीडियो देखने के लिए आप मेरा पार्ट टू मिस ना करें। और दुपट्टे पे हमने दोनों तरफ चौड़ी लेस और चारों तरफ हमने पतली लेस को अटैच किया, और प्यारा सा हमारा दुपट्टा रेडी हो गया है।